इस मॉडल के जरिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने वाटर साइकिल का क्या बेहतरीन प्रोसेस बनाया है, जिसकी ओशन और रिवर्स में जो ऑलरेडी पानी है उसको पहले इवेपोरेशन होता, फिर ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे प्रोसेस बन के आगे क्लाउड्स बनते, और क्लाउड्स पे डिपोजिशन जो प्रोसेस है जिससे स्नोफॉल होता, रेनफॉल होता, फिर आगे जो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस है और इन्फ्लेमेशन, ऑलरेडी जो ज़मीन के अंदर पानी मौजूद है तो वो पूरे जो भी फसल है, ट्रीज है, उसके ऊपर लीव्स पे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, रूट से लेके ऊपर स्टेम से लीव्स पर पानी आ जाते हैं ड्रॉपलेट्स, और वो पूरा एब्जॉर्ब होता है एटमॉस्फेयर में, और वापस ये जो प्रोकोलेशन प्रोसेस है उसमें जो भी पानी इम्प्योर है, जो भी ड्रेनेज का पानी है वो प्योर होता, क्लेंस होता और वापस ओशंस और रिवर्स में वापस आ जाता, और ये प्रोसेस हमेशा से चलते आ रहे हैं। और जब से अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाया था और 70% पानी जो थी, तो आज भी वही 70% पानी अभी भी है, और ओशंस और रिवर्स का हर एक ड्रॉप ये प्रोसेस से जा चुका। और जैसे कि सूरह रोम की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाता है, और इसी उसकी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि वो तुम्हें डराने के लिए और उम्मीदवार बनाने के लिए बिजलियाँ दिखाता है और आसमान से बारिश बरसाता है और उसके मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देता है, और इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। जज़ाकुमुल्लाह।